और बदायूं में आंगनवाड़ी सहायिका से गैंगरेप और हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। लापरवाही बरतने पर एसएचओ राघवेंद्र सिंह निलंबित हो गए हैं। वहीं मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक कुल दो आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि पुलिस को अभी भी एक नामजद आरोपी की तलाश है। दरअसल बीते रविवार को बदायूं में 50 वर्षीय महिला अपने गांव के मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी, जिसके बाद महिला का शव मिला था संदिग्ध परिस्थितियों में। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो गैंगरेप की पुष्टि हुई है। पुलिस ने इस मामले में गैंगरेप हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और 3 लोगों को नामजद किया है। घटना पर महिला आयोग ने संज्ञान भी लिया है। तो आपको बता दें कि 50 साल की महिला, पहले जो खबर आ रही थी, बताया जा रहा था कि जब ये मंदिर गई हुई थी वहीं पर इनकी हत्या कर दी गई। तो ये घटना जो खत्म हुई है, जो कहाँ खत्म हुई? जो ये तो मैं ना पता, वो अपना फ्लैग आए गाड़ी। जैसे मंदिर पे जो कुआं है, उस कुआं में जो गिरी हुई बताई बाबा ने, तो बाबा सही ही जिस टाइम पहुंचा के गए रात के 11 बजे या मृतक ही? नहीं, ऐसे ही मृतक, मतलब मरी हुई थी। हम आवाज मारी, कबाड़ खोल गए, हमने कबाड़ खोले तो जल्दी से यहाँ पे चले गए, रुके भी ना। हमने बाबा ना रुके, ना रुके। उसके बाद उनके साथ में कौन कौन था? एक तो वे एक और थे बेदराम नाम के कोई, और एक बाबा थे और एक ड्राइवर था गाड़ी वाला। अच्छा, पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? नहीं, देने गए। अभी कौन गया आप पुलिस को सूचना देने के लिए? हाँ, मेरे मामा जी गए। तुम्हारी माँ किसने मारी? उन्होंने मारी, ये डाल के गए, उन्होंने ही मारी है। हाँ। बाबा ने? हाँ। लड़की की उम्र कितनी? 40-45 साल। तो शादी से आई है? तो जी कब आई थी? शाम में आई है। कल शाम या आज शाम? आज शाम, जा रहे खत्म भाई ताई। कल शाम? तो फिर इसके बाद घर वालों को सूचना ना दी? घर वालों का फोन नंबर ना हो, फिर दही बात पर सूचना ना। फिर जी मर कैसे गई? हाँ, कुएं में कैसे गिरी? कुआ में आई है तब मैं लेकर ही तो गिरी। अपना भी गिर गई और हमारे माल बना पड़ी? तुम्हें जानकारी ना? जब के आनी तो भाजी के गए अंदर के आनी। हाँ, तो पता चल गई तुम्हें। हाँ, फिर सेक्शन 376D और 302 IPC के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया था। इस मुकदमे में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसी प्रकरण में प्रारंभिक जांच में लापरवाही बरतने के दोषी पाए जाने के कारण तत्कालीन जो थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित किया जा रहा है। घटना की रिपोर्ट जो है थोड़ी दर्ज करवाने में परिवारजनों की ओर से भी थोड़ा डिले हुआ और थाने की ओर से भी थोड़ी सी इसमें डिले हुआ, जिसको दृष्टिगत रखते हुए जिम्मेदारी फिक्स करते हुए जैसे उपलब्धि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। जहाँ तक परिवार वालों की सुरक्षा की बात है, SDM, CO, एडिशनल SP और ADM भी मौके पर हैं, उनके परिवार वालों से बात कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि सरकार की पूरी संवेदनाएं उनके साथ हैं और हम उनके साथ हैं। किसी भी प्रकार का कोई अगर सिक्योरिटी थ्रेट होता है तो वहाँ पे हम एक कॉन्स्टेबल वगैरह भी नियुक्त कर देंगे